तो आज के वीडियो में हम क्लास नाइन्थ के फोर्थ चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि क्लास नाइन्थ का था उसका डेरिवेशन अपलोड किया था, ये उसी का एक्सटेंशन है। अब नेक्स्ट चैप्टर फोर से स्टार्ट करेंगे और पिछला वीडियो काफ़ी समय पहले डाला था मैंने, अब मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूँ, अब इतना गैप नहीं होगा, ठीक है। तो आज फोर से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज फोर्स। तो सबसे सिंपल इसका आंसर जो मैक्सिमम बुक्स में आपको मिलेगा वो पुश एंड पुल इज डिफाइंड एज फोर्स। तो पुश और पुल को फोर्स बोलते हैं। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए फोर्स क्या है। फोर्स का मतलब है जैसे किसी भी चलती हुई चीज़ को रोक देना, कोई भी चीज़ चल रही है अगर हम उसको रोक दें, या रुकी हुई चीज़ को चला देना, एक ऐसी क्वांटिटी जो चलती हुई चीज़ को रोक दे। अगर कोई मान लीजिए साइकिल चलती हुई आ रही है, हम उसको पकड़ के रोकते हैं तो क्या होगा, साइकिल रुक जाएगा। कोई रुकी हुई चीज़ है उसको हम धक्का देंगे तो क्या होगा, वो चलना स्टार्ट करेगा। तो फोर्स का मतलब क्या हो गया, कोई भी चलती हुई चीज़ को रोक देना या रुकी हुई चीज़ को चला देने के लिए जिस क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। अब बात आती है फोर्स क्या क्या कर सकता है। फोर्स कैन मूव अ बॉडी, ठीक है। सेकेंड है फोर्स कैन स्टॉप अ बॉडी, फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ अ बॉडी। तो बेसिकली इन सब का हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो फोर्स किसी बॉडी को मूव करा सकता है जैसा मैंने अभी आपको बताया, फोर्स किसी बॉडी को रोक सकता है और कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी। अब इसका एग्जांपल समझिए, जैसे फुटबॉल के ग्राउंड में जो प्लेयर होते हैं वो फुटबॉल को अगर किक करते हैं तो एक रुका हुआ फुटबॉल काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ मूव करता है। तो अगर फुटबॉलर फुटबॉल को किक करता है तो वो फुटबॉल मूव करने लगता है किसी स्पीड से, तो उस वहाँ क्या होता है, वो पैर से इस फुटबॉल पे क्या लगाया उसने, फोर्स। तो पैरों से उसने जो फोर्स इस पे लगाया उसकी वजह से ये रुका हुआ जो फुटबॉल था वो चलना स्टार्ट हुआ। दूसरा, अब उसी फुटबॉल में गोलकीपर जो होता है वो काफ़ी तेज़ी से जो बॉल आ रहा होता है फुटबॉल उसको वो रोक लेता है। तो कैसे रोका, तो गोलकीपर ने एक फोर्स लगाया उस बॉल पे, एक फोर्स लगाया जिस फोर्स के वजह से वो गोलकीपर उस फुटबॉल को रोक लेता है। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, फोर्स कैन स्टॉप अ बॉडी, है ना। स्टॉप अ बॉडी मतलब मूविंग बॉडी, यहाँ पर आप कर सकते हैं फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। उसके बाद आता है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी। जैसे मान लीजिए कांच का एक टुकड़ा है मेरे पास, तो उस कांच के टुकड़े पे अगर हम किसी चीज़ से अगर हाथ से ही काफ़ी तेज़ अगर उस पर पुश करेंगे या काफ़ी तेज़ फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, कांच टूट जाएगा। या कोई भी ऐसा बॉडी है जिस पे हम फोर्स लगाएं और वो बॉडी टूट जाए, तो टूटने का मतलब क्या होता है, उसका शेप बदलना। जैसे ये मार्कर है, इस पर हम काफ़ी तेज़ फोर्स लगाएंगे तो ये टूट जाएगा, मतलब इसका शेप बदल जाएगा, टूटने के बाद इसका शेप ऐसा नहीं रहेगा। तो ऐसा क्यों हुआ, ये फोर्स के कारण। तो अब भी जो मैंने आपको बताया फोर्स के डिफिनेशन बताया और फोर्स क्या क्या कर सकता है, तो ये रही फोर्स की पूरी बात है। और एक होता है एसआई यूनिट फोर्स का, फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन, ठीक है, जिसको एन से भी डिनोट करते हैं। अब फोर्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हम अगले एक दो लेक्चर में, इस पर मैं वीडियो अपलोड करूंगा जब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसी चैप्टर का अगला टॉपिक जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग ये देखेंगे कि फोर्स कैसे निकालते हैं जो बेसिकली मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। लेकिन अभी आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, मैं वहाँ पर डिटेल में आपसे इस पर बात करूँगा कि फोर्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अभी आप यही ध्यान रखें कि न्यूटन साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे फोर्स का ऐसा यूनिट पड़ा जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो बेसिक बात मैंने आपको बताया कि फोर्स होता क्या है, ठीक है। तो आप इसको नोट करना चाहे तो नोट करिए, फिर मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए टाइप्स ऑफ फोर्सेज में बेसिकली दो टाइप्स ऑफ फोर्सेज को डिफाइन किया गया है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स।
ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है मेरे पास, अभी मैं बैलेंस फोर्स की बात कर रहा हूँ, एक बॉडी है मान लीजिए ये 5 kg का बॉडी है, इस 5 kg के बॉडी को हमने 10 N फोर्स से इधर की तरफ पुश किया, फिर इधर की तरफ भी 10 N फोर्स से हमने इस बॉडी को पुश किया, तो दोनों तरफ से जब 10 N का फोर्स इस बॉडी पे लगेगा तो क्या ये बॉडी मूव करेगा, बॉडी मूव नहीं करेगा, मतलब इसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। क्यों? क्योंकि इस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, इधर की तरफ 10 N और इधर की तरफ 10 N, तो यहाँ पर इस ऐसे कंडीशन में हम इस फोर्स को क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स, मतलब इस बॉडी पे लगने वाला फोर्स हर डायरेक्शन से सेम है। एक और कंडीशन देखिए, वही बॉडी है 5 kg का, इधर की तरफ हमने 10 N फोर्स लगाया, इधर की तरफ 5 N फोर्स लगाया, तो अब कोई भी बॉडी किधर मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगेगा, मतलब जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगेगा बॉडी उधर मूव करेगा। तो ये 5 kg का बॉडी है, इस पे हमने इधर से 10 N फोर्स लगाया, उधर से 5 N इधर की तरफ फोर्स लगाया, तो ओवरऑल ये बॉडी किधर मूव करेगा, जिधर ज़्यादा फोर्स है तो इधर ज़्यादा फोर्स है, यानी बॉडी का वेलोसिटी इधर की तरफ होगा। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स, जब हर तरफ से लगने वाला फोर्स इक्वल नहीं हो। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, इस बॉडी को अगर हम इधर की तरफ और दोनों तरफ से सेम फोर्स से दबाएंगे, सेम फोर्स से, ये कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंडीशन सेम फोर्स से अगर इस बॉडी को हम दबाएंगे तो ये बॉडी जहाँ का तहाँ रहेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा क्या, पोजीशन चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स बराबर है, इसलिए ये बॉडी पे लगने वाला फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। अगर इसी बॉडी पे मान लीजिए इधर की तरफ मैं इस उंगली से पुश कर रहा हूँ, मतलब ये उंगली कम फोर्स लगाएगा बजाय इस पूरे हाथ से अगर पुश करूँ, तो ये बॉडी क्या होगा, आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उंगली से जो मैंने फोर्स लगाया वो फोर्स कम है, और मैंने पूरे हाथ से जो इस पे फोर्स लगाया वो फोर्स ज़्यादा है, तो जिधर बॉडी पे ज़्यादा फोर्स लगा उधर की तरफ बॉडी मूव करना स्टार्ट करता है। तो ऐसा कब होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स में, है ना, इसमें कहीं भी कंडीशन हो सकता है, फोर्सेज ऊपर से भी लग सकती है, नीचे से भी लग सकती है। तो ये आपके पास एग्जांपल रहा बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स का। जो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा उसमें और भी अलग एंगल से टाइप्स ऑफ फोर्सेज में स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, फिर जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगा, 10th, 11th, 12th तक का भी वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।